हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक के इन 3 साल की सुहाना सफ़र में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो पॉलिटेक्निक की में आप एडमिशन ले चुके हैं और पॉलिटेक्निक में जब आप एडमिशन लेके आइएगा तो सबसे पहले आपके पास एक सवाल होगा कि आखिर हमें यहाँ करना क्या है। मतलब करना क्या है का मतलब क्या कि आपके पास सिलेबस क्या है, मतलब क्या आपको पढ़ना है। तो आपका ये क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि अब हमें क्या करना है। एडमिशन ले लिए आप, उसके बाद आपका क्वेश्चन होगा कि हमें करना क्या है। दोस्तों, ये जो आपकी जो सिलेबस है यानी सेमेस्टर वाइज होती है आपकी एग्ज़ाम, 6 सेमेस्टर में आपकी पूरी एग्ज़ाम 3 साल की होती है, जिसमें से आपका पहला सेमेस्टर जो आपकी शुरुआत होती है, जहाँ से आप शुरुआत करोगे, वो फर्स्ट सेमेस्टर, वो सिलेबस आपको क्या है वो सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी होगी। मतलब क्या उसमें पढ़ना है वो जानना सबसे प्रायोरिटी होगी पहले, कि हमको कौन कौन सा, यानी हमारी एग्ज़ाम कैसे होती है, हमें क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है। ठीक है दोस्त, तो देखिए दोस्त, सबसे पहली बात ये है कि आपको ये जानना है यहाँ पे कि अभी हम लोग जो डिस्कस करने, आज के जो हम लोग का लेक्चर का जो डिस्कशन होगा दोस्त, बस इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कौन कौन सा होता है, मेरा एग्जामिनेशन कितने पर होता है और कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, इसमें प्रैक्टिकल क्या होता है और भी कुछ टर्म जैसे सेशनल टर्म वर्क्स, ये सब क्या होता है, ताकि हम उन सारी बातों को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, और कितने का एग्जामिनेशन होगा, जैसे मैट्रिक में अभी तक आप पढ़ते आए थे तो 500 पे एग्ज़ाम दे देते थे, क्या यहाँ भी वही रहेगा, क्या कोई दूसरा चीज़ होगा। तो ये सारे क्वेश्चन हमारे साथ आएंगे एडमिशन लेते ही वक्त, जैसे एडमिशन लेंगे उसके बाद ये शुरुआती हो जाएगी, एग्ज़ाम कब होगा, है ना। तो इन सारी चीज़ों का जो जड़ है वो आपको पहले पता होनी चाहिए आपकी क्लास शुरुआत होने से पहले, ताकि आप अच्छे से काम कर पाओ। स्टार्टिंग में होती है कि बहुत बार बच्चे आ जाते हैं, उनको बहुत दिनों तक तो आइडिया नहीं रहता कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, कहाँ से सिलेबस आएंगे, क्या होगा नहीं होगा, कुछ पता ही नहीं रहता। तो दोस्त, हम लोग इस लेक्चर में इन सारे सवालों का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं आगे और आप देखिए ध्यान से पहले कि हम लोग यहाँ लगा रखे हैं ये बिहार पॉलिटेक्निक की फर्स्ट सेमेस्टर की सिलेबस के बारे में। मतलब आज जो हम टोटली डिस्कस करेंगे दोस्त, वो होगा सिर्फ और सिर्फ बिहार पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के रिगार्डिंग। मतलब जो आपको सिलेबस पढ़ना है बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में, तो जो आपको बिहार पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में सिलेबस पढ़नी है दोस्त, हुआ क्या है दोस्त, यूँ बात ये हुआ है कि अभी आप लोग जब न्यू जब आए हो, आप लोग जब एडमिशन लिए हो दोस्त इसमें, है ना, तो हुआ क्या है, इससे पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर में पहले सिलेबस पढ़ाया जाता था, इससे पहले जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो सिलेबस पहले था, वो अभी जस्ट इसी बार से चेंज हुआ है। यानी आपको मिलने वाला है नया सिलेबस, है ना, न्यू सिलेबस मिलने वाली, मतलब पुरनका सिलेबस चेंज हो गया और आपकी जो सिलेबस है वो रिलेटिवली पहले वाले से ज़्यादा अच्छा बनाया गया है। अच्छा इस सेंस में कि आपको जो फ्यूचर में पहले जो सिलेबस था उसमें ना फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए काम बहुत कम किया गया था, बट आपकी जो सिलेबस है वो सिलेबस थोड़ा लेंदी कर दिया गया, पहले से आपकी सिलेबस थोड़ा सा हार्ड किया गया है, लेकिन वो आपके फ्यूचर के लेके बहुत बढ़िया किया गया है ना। मतलब आपके फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया किया है, क्योंकि होता क्या है कि मान लीजिए हमको आगे कुछ सीखना है तो उसके लिए पीछे से हमें ब्लॉग, मतलब पीछे से तैयारी करके सीखे था ना, मैट्रिक में पढ़ना होता तो क्या करते हैं, 7वां 8वां 6ठा पहले पढ़ लेते हैं, ताकि अगर ये पढ़ा हुआ रहेगा दोस्त तो हमें 10वां आराम से समझ में आएगा। उसी तरीके की बात यहाँ इंजीनियरिंग में भी होती है कि अगर मान लीजिए कि हमको आगे इंजीनियरिंग में जो सब चीज़ आने वाला है उसकी पढ़ाई हमको पहले करा दिया जाएगा तो इंजीनियरिंग के आगे वाला हमें बढ़िया से समझ में आएगा। तो वही बात है कि उससे पहले वाला सिलेबस में थोड़ी सी फॉल्ट थी तो उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। वैसे बाय द वे 4 से 5 साल में सिलेबस चेंज होती है, क्योंकि ये दुनिया इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है कि जहाँ पे आप एक फिक्स चीज़ें नहीं पढ़ा सकते। हम लोग इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो यहाँ क्या होगा कि हम वही चीज़ें सीखेंगे ज़्यादातर जो हमारे ज़िंदगी में यूज होने वाले आएंगे, यानी हमारी ज़िंदगी में काम का चीज़ें होंगी, और काम हमारी ज़िंदगी इतनी तेज़ी से बदलती है जहाँ पे हर समय, अभी देखिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज मोबाइल संचार सब इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, आप देख रहे हो कि अब फील कर पा रहे होगे आप लोग कि दुनिया इतनी तेजी से चेंज हो रही है। तो उस केस में बताइए कि हमको जरूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर जो आप देख रहे हो, इतने ऐप्स आप यूज कर रहे हो, सब इतनी तेजी से चेंज हो रहा है, तो उसकी जरूरत के हिसाब से हमारा सिलेबस बनना चाहिए। सॉरी दोस्त, वेरी सॉरी, माने इतनी ज़रूरत जो हमारी है इस सब को फोकस करके, तो सिलेबस इसीलिए 5 साल पे देखा जाता है कि हमारी वातावरण यानी हमारी इंडस्ट्री की क्या ज़रूरत है उसके हिसाब से हमारा सिलेबस बना दिया जाता है, ताकि हम लोग उसी के रिगार्डिंग पढ़ें और उसके रिगार्डिंग हमें काम मिले और अच्छा सा, मतलब हम जॉब भी कर सके और जो भी माने हम अच्छा सा कोई भी इनोवेटिव माने काम, कोई आइडिया नया चीज़ बना भी सके,
ठीक है दोस्त, तो बात ये आ गई कि अब हमें ये जो फर्स्ट सेमेस्टर है कि सर बताइए आप हमें कि जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें क्या सब चलने वाला है दोस्त। अब यहाँ से सुनिए ये बात कि अब जो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कि जो अभी तक लोग हम लोग पढ़ के आए हैं तो कुछ बच्चे CBSE बोर्ड से हैं, बहुत कम, ज़्यादातर बच्चे बिहार बोर्ड से रहते हैं, है ना, BSE भी बोर्ड। तो हम लोग को पता था कि इससे पहले जो हम लोग का बोर्ड था, जब भी कुछ हम लोग देखना पड़ता था तो हम लोग चल जाते थे कि किस में, कि BSE भी बोर्ड है हमारा, है ना, जहाँ से हमको कुछ भी सर्च मारना है, कोई भी जानकारी लेना है तो लेते थे। लेकिन दोस्त अब जब आप 3 साल की जो पॉलिटेक्निक की मयावी दुनिया में पैर रखे हैं तो यहाँ दोस्त क्या होने वाला है कि आपको मिलने वाला है BSE बोर्ड नहीं, अब हम लोग का जो बोर्ड होगा उस बोर्ड का नाम होगा SBTE, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। मतलब अब आपको जानकारी के लिए बता दें कि आपकी जो पढ़ाई है वो अब टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया, मतलब आपको जो टेक्नोलॉजी सब आ रहा है उसके रिगार्डिंग करना है, आप अब टेक्निकल स्टूडेंट बनने जा रहे हैं। दो तरह की पढ़ाई, एक जनरल और एक टेक्निकल, तो आप जब कंपटीशन देके जब एडमिशन लिए तो आप अब टेक्निकल स्टूडेंट बनिएगा। तो इस केस में आप ये जो बोर्ड है आपका हमारा बिहार का स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, मतलब अब हम लोग को इस बोर्ड से रिश्ता मोह माया छोड़कर इधर की ओर शिफ्ट होना पड़ेगा दोस्तों, जिसका नाम होगा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब मतलब हमारा सिलेबस कहाँ मिलेगा, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के पास। हमारा रिजल्ट पब्लिश किसके द्वारा होगा, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के पास। तो ये जितने भी है ना, जैसे आपकी जो कंपटीशन वाला जो मामला होता है, जैसे आप कंपटीशन दे के आइएगा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस, तो ये लेता है BCEC जो होता है, वो हमारा बोर्ड होता है वो लेता है, और ये केवल एंट्रेंस करवाता है, केवल एंट्रेंस। अब एंट्रेंस करने के बाद जब यहाँ आप आइएगा तो उसका जो एग्जाम होता है तो वहाँ भी एग्जाम होगा, तो उस सब का पूरा कंट्रोल जो हमारा करेगा हम लोग के यहाँ जो पॉलिटेक्निक का, वो करेगा SBTE बोर्ड करेगा। ठीक है दोस्त, यानी ये बड़ा बोर्ड पूरा नियंत्रण करेगा अब से हम लोग का सारा काम, जैसे हमारा मार्कशीट आएगा यही देगा, सारा का सारा इसी के द्वारा ऑर्गेनाइज अब होने वाला है। मतलब अब हम लोग को याद रख लेना है कौन सा बोर्ड, SBTE, अब यही बोर्ड हमारा सारा काम करेगा। तो अब ये बोर्ड जो हमारा SBTE बोर्ड है, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन दोस्त, ये बोर्ड हम लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ने के लिए दिया है, इसका रूल क्या है, ये सब जानना पड़ेगा। तो दोस्त अब बढ़ते हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट की तरफ कि हमारा जो SBTE बोर्ड है वो कैसा सिलेबस बनाया है, चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट। तो हम लोग देखते हैं कि देखिए ये जो हमारा है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार, दोस्त देखिए ध्यान से ऊपर गया, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ बिहार, फर्स्ट सेमेस्टर इफेक्टिव सेशन फ्रॉम 2020 से 2021। मतलब आपकी दोस्त अगर हम लोग बात करें इसमें, अगर हम बात करें हम लोग इसमें दोस्त, तो ये जो आपकी दिख रही है ये आप ध्यान से देखिए ऊपर में स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ बिहार है, मतलब आपको SBTE जो बोर्ड बताए हैं यही बोर्ड है यहाँ पे, है ना, ये जो SBTE बोर्ड बताए हैं दोस्त यही SBTE बोर्ड है हमारा, ठीक है। और उसके द्वारा जो ये सिलेबस बनाया गया है वो सिलेबस कुछ इस प्रकार से, तो देखिए हम लोग अब किस में गए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में, सबसे स्टार्टिंग फर्स्ट से होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में, और इफेक्टिव फ्रॉम सेशन 2020 से 2021। अब आपको इसमें हम क्या समझाएंगे कि इससे एग्जामिशन से रिलेटेड सारी बातें, सबसे पहले बात क्या आएगी दोस्त एग्जामिशन से रिलेटेड सारी बातें क्या आएगी कि SBTE बोर्ड पहले हमारा, हम लोग समझेंगे कि भाई मैट्रिक में हम 500 पे एग्जाम देते थे, आप कहिए सर हम 500 पर एग्जाम दिए मैट्रिक में, इंटर पर दिए 500 पर एग्जाम, मतलब 500 रुपये नंबर का पूरा मेरा एग्जाम होता था, तो क्या सर यहूँ 500 का पूरा एग्जाम होगा, सबसे पहला क्वेश्चन। तो आप कहेंगे दोस्त देखो 500 पर पूरा एग्जाम तो नहीं होगा, लेकिन हम लोग का जो यहाँ एग्जाम होने वाला है वो 750 पे होने वाला है, मतलब हम लोग अब एग्जाम जो देंगे वो पूरा 750 नंबर का होगा, ठीक है दोस्त, तो 750 नंबर का होगा। अब मामला आएगा कि सर अब बताइए, चलिए 750 नंबर का तो होगा लेकिन इसका मामला कैसा कैसा है, तो दोस्त एक्चुअल में क्या है कि जो इसका मामला है वो मामला कुछ इस तरीके से है, मामला क्या है कि पूरा एग्जाम जो होगा आपका, एग्जाम जो होगा पूरा एग्जाम वो जनरली 3 टर्म में होगा आपका एग्जाम, आपका एग्जाम जो होगा बाबू ये 3 टर्म में होगा, है ना, ये 3 टर्म में एग्जाम आपका लेगा। एक टर्म जो होगा जिसका नाम होगा, यानी 750 जो नंबर का आपका एग्जाम है, ये 750 नंबर का बाबू ये 3 टर्म में होने वाला है। एक टर्म जो होगा वो होगा थ्योरी वाला,
है ना। और दूसरा टर्म जो होगा वो होगा प्रैक्टिकल वाला, और तीसरा टर्म जो होगा वो होगा टर्म वर्क्स। क्या होगा दोस्त? टर्म वर्क्स। ये आपको तीन टर्म में एग्जाम लेने वाला है, एक थ्योरी, दूसरा प्रैक्टिकल और तीसरा टर्म वर्क्स, है ना। तो यानी तीन टर्म में। तो आप देखिए, दो चीज़ से तो आप पहले से भी परिचित होइएगा कि एक थ्योरी वाला और एक प्रैक्टिकल वाला, क्योंकि हम लोग मैट्रिक में और इंटर में जो एग्जाम दिए हुए हैं उसमें दो चीज़ें हम लोग देखे हैं क्या, कि थ्योरी क्या होता है, प्रैक्टिकल क्या होता है। थ्योरी का हम लोग प्रिपरेशन करते थे और प्रैक्टिकल का कॉपी लिख के जमा कर देते थे, है कि नहीं। अब प्रैक्टिकल का एग्जाम होता था तो जाके लिख देते थे कॉलेज में, आसानी से निकल जाता था काम, है कि नहीं। तो बात है कि हम लोग थ्योरी और प्रैक्टिकल से परिचित है, प्रैक्टिकल क्या होता है। तो चलिए एक एक करके सारे चीज़ को समझेंगे हम लोग, एक एक चीज़ को सारे करके सारे चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्त, ध्यान से देखिए, अब आप इस बोर्ड को देखिए गौर से, तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा कि ये देखिए, ये जो थ्योरी पोर्शन है ये आपके थ्योरी वाला सेक्शन है ना। इसमें ये क्या चीज़ें, हम एक एक चीज़ आपको समझा देंगे ताकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कहीं कुछ देखने की जरूरत ही न रहे, आप सिलेबस के लिए एकदम 100% सिक्योर रहे, है ना। आपको सब चीज़ एकदम अच्छे से सारे बात क्लियर रहे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होंगी, है ना दोस्त। थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये तो थ्योरी था, अब देखते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। तो देखिए ये प्रैक्टिकल वाला सेक्शन रहेगा, ठीक है दोस्त। तो पहला थ्योरी वाला आपको बताया कि तीन सेक्शन में रहेगा, एक थ्योरी, दूसरा प्रैक्टिकल, दोस्त तीसरा जो होगा आपका टर्म वर्क्स होगा, है ना। तो दोस्त तीसरा है टर्म वर्क्स, ध्यान से देखिएगा, तीसरा है आपका टर्म वर्क्स। दोस्त होता क्या है, अब ध्यान से सुनिए इस चीज़ को दोस्त। अब क्या होगा एक्चुअल में, कि जो आपको हम बताएं इधर, है ना, कि थ्योरी, प्रैक्टिकल और टर्म वर्क्स। तो देखिए ये थ्योरी वाला जो होता है ये पोर्शन आपका 500 नंबर का होता है, 750 में से 500 नंबर का ये वाला पोर्शन होता है, ठीक है दोस्त। देखिए प्रैक्टिकल वाला जो होता है वो आपका 150 नंबर का रहता है, और ये जो होता है दोस्त ये आपका 100 नंबर का रहता है, ठीक है। ये 100 नंबर, 150 दोस्त टोटल अगर करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 250, और ये हो जाएगा 750। टोटल कितना हो जाएगा दोस्त, टोटल जो हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 750, यानी ये 750 पूरा मिला के रहता है मामला, ये समझिए इस चीज़ को। ये टोटल कितना हो जाएगा, 750 नंबर का हो जाएगा। अब दोस्त बात करते हैं हम लोग कि ये मेनली आपके सर कि 750 नंबर का तो हो गया, लेकिन इसमें आप तीन तीन एग्जाम के बारे में बता रहे हैं कि वो सर प्रैक्टिकल वाला होगा, वो टर्म वर्क्स होगा। दोस्त ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, है ना। ये जो प्रैक्टिकल वाला और सेक्शन है और ये जो आपका टर्म वर्क्स वाला जो सेक्शन है दोस्त, है ना, इसमें आपको बहुत मदद मिलने वाली है ना, बहुत रिलीफ मिलने वाली है। मेनली जो आपको एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन मेनली जो करना रहता है ये करना रहता है, बाकी इसमें आपको कॉपी जो तैयार करते थे जैसे मैट्रिक में इंटर में करते थे, यहाँ पर करेंगे उसी तरीके से करेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल आपको करवाया जाएगा, कुछ चीज़ें सिखाया जाएगा, वो सारी बातें यहाँ आएंगी, और क्या क्या होगा उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं, है ना। एक्चुअल में क्या सब होने वाला है, वो आपको पूरी कॉलेज में क्या होने वाला है उसकी एक ओवरव्यू भी यहाँ मिल जाएंगी आपको दोस्तों। ये था आपका थ्योरी वाला पोर्शन। तो चलिए हम लोग अब थ्योरी जो 500 है उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि मेन जो होने वाला है ना, मेन लीडिंग रोल इसी मेन 500 का एग्जाम पे आपको फाइट करना है, और ना बाकी चीज़ें तो आपको यहाँ भी फाइट करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ लिखने पड़ेंगे, कॉपी लिखेंगे, काम आराम से होने वाला रहेगा, उतना टेंशन नहीं रहेगा किसी चीज़ का, ठीक है, आराम आराम से हो जाएगा। इसमें आपका केवल मेहनत पड़ेगा खूब जम के। तो आप बताते हैं कि ये सब चीज़ें होंगी क्या, तो चलिए सबसे पहले हम लोग शिफ्ट होते हैं कहाँ, थ्योरी वाले पोर्शन पे आ जाते हैं। जैसे तो थ्योरी वाले पोर्शन पे आ गए हम लोग, अब दोस्त समझते हैं इसमें कि ये सब क्या चीज़ें हैं, ये 500 नंबर कैसे बटा हुआ है ना, सारा मामला समझते हैं एक एक करके। ये 500 चीज़ें क्या, देखिए तो ये 500 नंबर जो है जिसमें आपको बताएं आराम से, तो इसमें आपको 5 पेपर पढ़ने हो, जैसे आप हिंदी इंग्लिश सब पढ़ते थे ना, उसी तरीके से यहाँ अब इंजीनियरिंग वाला काम सब सीखना पड़ेगा, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें चाहिए उसकी तैयारी कराया जाएगा। तो उसके तैयारी के लिए दोस्त आपको यहाँ 5 पेपर पूरा पढ़ने फर्स्ट सेमेस्टर में, और वो थ्योरी पेपर होगा, मतलब जो आपकी थ्योरी और थ्योरी और प्रैक्टिकल में अंतर आप समझते हैं कि कोई भी अगर बात रहती है उसके रिगार्डिंग हमको पेज और पेपर पे आराम से पढ़ना, दस्ता थ्योरी, और उसी के रिगार्डिंग कुछ काम अगर हम कर रहे हैं दस्ता प्रैक्टिकल, क्लियर है ना। अब ध्यान से सुनिएगा उस चीज़ को, हम समझते हैं एक एक करके सबको। अब देखिए ध्यान से, थ्योरी वाले में हम लोग को 5 पेपर कौन कौन पढ़ने हैं, पहला जो है आपका दोस्त, पहला है हमारा मैथमेटिक्स फर्स्ट,
ठीक है दोस्त, हमें पढ़ना है मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ना है, जो कि देखिए ध्यान से मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ना है जिसका सब्जेक्ट कोड होने वाला ये। अब ये सब्जेक्ट कोड क्या होता है, स्वाभाविक सी बात है किसी भी चीज़ की यूनिक पहचान होती है ना, तो उसी तरीके से हमारे पास जो सब्जेक्ट होंगे उसके यूनिक पहचान, जैसे आपका रोल नंबर आपका रोल नंबर यूनिक होता है, उसी तरीके से जो सब्जेक्ट पढ़िएगा तो ये कोड आपको यूज में आएगा, है ना, ये कोड आपको यूज में आएगा, जो इस सब्जेक्ट का कोड होगा इस कोड को लिखते ही समझ जाएगा मैथ फर्स्ट मैथमेटिक्स फर्स्ट, क्लियर। तो ये कोड सारे सब्जेक्ट का अपना यूनिक कोड है जिस कोड से इसकी आराम से पहचान हो जाएगी, ठीक। तो ये कोड दिया जाता है जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट कोड, ठीक है दोस्त। अब देखिए दूसरा पेपर जो हम लोग को पढ़ना है वो है अप्लाइड फिजिक्स, मैथमेटिक्स फर्स्ट अप्लाइड फिजिक्स, तीसरा है हमें अप्लाइड केमिस्ट्री, और चौथा दोस्त पढ़ना है कम्युनिकेशन स्किल है ना इन इंग्लिश, और पांचवा है ग्राफिक्स, है ना दोस्त। इंग्लिश वर्ड आप सुने हैं, केमिस्ट्री सुने, फिजिक्स सुने, मैथमेटिक्स सुने, ग्राफिक्स आपके लिए पूर्णतः नया शब्द होगा, नया वर्ड होगा, ठीक है दोस्त। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको हम इसी तरीके से ले चलेंगे कि आप मैट्रिक से अभी आए हो, आपको कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी आप नहीं जानते उस सब के बारे में, एकदम आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ जुड़े रहो और देखते रहो, आपको सारी चीज़ एक एक करके हम क्लियर कर देंगे दोस्त। देखिए तो ये है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ये है कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, ये है अप्लाइड केमिस्ट्री, और ये अप्लाइड फिजिक्स, और ये मैथमेटिक्स। मतलब अब ये पाँच पेपर आपके ब्लड में हो जाने चाहिए, कौन कौन भाई, तो ये है मैथमेटिक्स फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है ना, अप्लाइड केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, और इसके बाद इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ENGG देने का मतलब है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ठीक है दोस्त। और उनके ये सारे कोड, अब आपका कहना हुआ क्या सर ये सभी 100-100 मार्क्स के ही होंगे, अभी 500 पर आप बताएं कि थ्योरी 500 नंबर का होगा, आप तो बताएं अभी कि थ्योरी 500 नंबर का होगा, तो हम कहे सही है सर कि 500 नंबर का होगा, लेकिन ये उसमें पांच पेपर मिलेंगे वो भी सही है, तो ये सारे 100-100 मार्क्स का होगा, ऐसे भी हम लोग सोच लिए होंगे अब तक दिमाग में, ठीक ना, कि पांच एक 100 नंबर का तो सब होवे करेगा। अब बात ये आती है कि इस बीच में सर ये सब क्या क्या लिखा हुआ मिलेगा, हो देखिए अभी आप जब सिलेबस डाउनलोड कीजिएगा या किसी दुकान से भी खरीदिएगा तो ऐसा नहीं टेबल मिलेगा, जिस टेबल में आपको बहुत सारा बात अच्छे से क्लियर नहीं होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि बाद में आप सेकेंड थर्ड सेमेस्टर समय चल जाएगा तो आपको पैसे ही पता रहेगा कई बार में, है ना। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में कि अगर आप स्टार्टिंग में जब आते तो सब बात अच्छे से क्लियर नहीं रहता है। अच्छा देखिए तो ये जो टीचिंग स्कीम है ये आपका SBDU द्वारा बनाया गया है कि मतलब कितना लेक्चर सप्ताह में किस चीज सब्जेक्ट का होना चाहिए, तो हमको अभी इससे कोई मतलब नहीं है कि मतलब कितना लेक्चर वो लेगा नहीं लेगा, इसके हिसाब से वो अपना काम करता भी कॉलेज नहीं भी करता, उसका अपना रूटीन रहता है ना, तो अपने रूटीन से काम करता है, तो हमें इस बीच में इसके बारे में अभी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है खास, ठीक है। तो आपको ये टीचिंग स्कीम आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, तो यानी ये वाला पोर्शन हम अभी नहीं डिस्कस कर रहे, ठीक है दोस्त, ये वाला पोर्शन, ठीक। अब बात करते दोस्त आवर ऑफ एग्ज़ाम, तो हम सबको पता है और जनरली अभी तक हम 3 घंटे की एग्ज़ाम दे के आई है, तो ये 3 घंटे की एग्ज़ाम होने वाले रहेंगे, यानी इस सब सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम होगा वो 3 घंटे की होगी दोस्त, ये वाला आवर ऑफ एग्ज़ाम भी आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी आती है टीचर असेसमेंट क्लास टेस्ट, है ना, क्लास टेस्ट, इसके बाद एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम, देखिए ध्यान से ESE है ना, एंड सेमेस्टर एग्जाम है ना, टोटल मार्क्स। तो देखिए एक देखिए इसमें तीन वो बात भी मैं बोल गया आपको, एक वो टीचर असेसमेंट, एक क्लास टेस्ट, और एक एंड ऑफ सेमेस्टर एग्जाम, और एक वो तीसरा बोले कि चौथा बोले टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स की बात कीजिएगा तो हम तो बताइए रखें कि 100-100-100-100 है ना, टोटल 500, ये तो हमने समझा दिए आपको, है ना। अब बात आती है ये कि सर एक बात बताइए कि ये सब क्या बोल गए आप, तो देखिए हम लोग पहले से जानते हैं कि एग्ज़ाम दो तरह के, वो हमारे जो कॉलेज है स्कूल है वो खुदे लेता है, एक वो एग्ज़ाम जो होता है हमको कहीं सेंटर पड़ता है तो जाके देना होता है, ये तो हम जानते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एग्ज़ाम, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला, और एक होता है इंटरनल एग्ज़ाम जो होता है अंदर वाला, मतलब क्लास के, अब क्लास में ही मतलब आपके कॉलेज में ही जहाँ पर एडमिशन लीजिएगा उस कॉलेज में ही एग्ज़ाम होगी जो कि इंटरनल एग्ज़ाम्स के नाम से जाना जाएगा, और क्लास के बाहर यानी सॉरी कॉलेज के बाहर जब सेंटर मिलेगा आपको, जैसे मैट्रिक का सेंटर मिलता था ना, हो वैसा ही सेंटर मिलेगा, तो सेंटर मिलेगा जहाँ आपको जाके एग्जाम देना पड़ेगा, तो वो होगा एक्सटर्नल एग्जाम, ठीक।
बात समझिए इससे, तो एक्सटर्नल एग्जाम होगा और एक होगा इंटरनल एग्जाम। तो इंटरनल एग्जाम में जो होगा उसमें देखिए तीन, देखिए एक्सटर्नल जो होगा सारा सब्जेक्ट का जो बाहर आपको सेंटर पर जाके देना होगा वो 70-70 नंबर का होता है, ठीक है, 70-70 नंबर का, ठीक। जबकि अच्छा ये काम हम लोग कर रखे हैं ऑलरेडी, पहले भी हम लोग एग्जाम दे रखे हैं बाहर में, तो इस तरह से हमारा कुछ कॉलेज वाला मार्क्स देता था और कुछ बाहर में जो हमारा एग्जाम होता था वहाँ लाइक जाके मिलता था, है ना। तो बाहर उस 70 नंबर या 80 नंबर का, 80 नंबर का जो एग्जाम होता था हम जाके वहाँ देते थे, है ना। तो इस काम हम कर, लेकिन यहाँ पर जो बाहर में एग्जाम देंगे सब 70-70 नंबर का होगा। हम मेन मार जो रहेगा ना, मार लफड़ा पढ़ाई इसी के लिए दोस्त, जो आपको जम के मेहनत अभी करनी पड़ेंगी। बाकी चीज़ें सारे है लेकिन वहाँ आपके काम होंगी अच्छे से, लेकिन यही जो ये जो 70 नंबर है इस पर लड़ाई होंगी, फाइट होंगी आपकी, है ना। अच्छा अब बात करते हैं दोस्त, ये जो 20 मार्क्स का है ये क्या है, और ये जो 10-10 नंबर, अब देखिए सब सब्जेक्ट में 70-70 हो ही गया तो 30-30 बचा, तो जो टीचर असेसमेंट और क्लास टेस्ट है ना दोस्त, होगा क्या कि आपकी इंटरनल एग्जाम के रूप में, इंटरनल एग्जाम के रूप में ये क्लास टेस्ट लिया जाएगा। इंटरनल एग्जाम के रूप में आपको ये क्लास टेस्ट लिया जाएगा, मतलब एग्जामिनेशन से पहले, जैसे आपकी सिलेबस कुछ पढ़ाई हो गई रहेगी तो एग्जामिनेशन से पहले, बाहर वाला एक्सटर्नल एग्जाम से पहले आपको कुछ क्लास टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, क्लास में, है ना। आपको कॉलेज वाला क्वेश्चन बना के देगा, अपना अपना खुद से क्वेश्चन बना के देगा, आपको उसका एग्जाम देना रहेगा, ठीक। तो वो हो गया आपका क्लास टेस्ट, तो उसकी 20-20 नंबर का लेगा। तो सर आप क्लास टेस्ट तो समझा दीजिए, टीचर असेसमेंट क्या होता है। अब देखिए होगा क्या कि जो आपके क्लास टीचर होते हैं, जिस सब्जेक्ट के जो टीचर रहेंगे वो क्या करेंगे कि आपकी अटेंडेंस, है ना, आपके लिए वो खुद से, कभी क्लास उनका टेस्ट लेने का मन किया तो वो खुद से क्लास एक टेस्ट लेंगे, वो अलग प्रकार का अपना टेस्ट होगा, या फिर कहेगा कि 5 साइन या किसी 5 क्वेश्चन दे देगा या फिर कुछ भी उस पर लिख के लाने के लेके वो जमा कर लेंगे और उस पर अपना चेक मार्क्स आपको मार्किंग कर देंगे। तो वो अपना टीचर को और कोई असाइनमेंट टीचर काम, जैसे पढ़ा रहे हैं हम तो हमारा मन हुआ कि नहीं आप बच्चे सबको पढ़ा दिए बहुत, आज इसमें से कुछ पूछ लेते, बोल देते कि ये सब चीज़ पर लिख के लाना, ये टॉपिक में और हमें जमा करना कि तुम क्या सोचते हो, क्या बात जानते हो इसके रिगार्डिंग, वो होगा कुछ आप बच्चे क्लास में क्या बिहेवियर, क्या अटेंडेंस क्या रहा उसके रिगार्डिंग, तो वो टीचर असेसमेंट के अंतर्गत आ जाएगा। और यहाँ पे वो टीचर आपको 10 नंबर इसके लिए क्रेडिट हो लेगा, यानी 10 मार्क्स के उसके उनके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके क्लास जो टीचर होंगे उनके। बाकी क्लास टेस्ट में भी वही सब्जेक्ट का क्वेश्चन भी वही सेट करेंगे और नंबर भी आपको वही देंगे, ठीक है। तो कुल मिला के ये 10-10 नंबर सब में आ गए तो ये आपको होगा 30-70, 100-100, 100-100 सारे हो गए। यहाँ तक तो ठीक मामला चल रहा था कि सर आप जो भी समझाए अभी तक हमें वो क्लियर समझ में आ गया। अब सर एक बात बताइए, यहाँ तक तो ठीक है, सब चीज़ आप समझा दिए, उस चलिए मान लिए कि सर हमें पता चल गया, लेकिन सर एक बात बताइए कि हम लोग पास कितना पे कर जाएंगे, फेल कितना पे कर जाएंगे, यहाँ पास करने की क्या मतलब, कितना पे पास कर जाता होगा यहाँ, यानी 500 में से कितना नंबर हम ले आएंगे तो पास कर जाएंगे फेल कर जाएंगे। देखिए ध्यान से सुनिएगा, पहले दो गौर से देखिए, अभी 500 वाला प्रश्न नहीं आते हैं हम अभी लोग अभी चलते हैं कि आपको क्या करना है। जो आपकी ध्यान से देखिएगा, आपका जो 70 नंबर का जो एग्जामिनेशन होगा, ध्यान से देखिएगा, 70 नंबर का जो एग्जामिनेशन होगा, ठीक, उस 70 नंबर के एग्जाम में आपको वहां कितना लाना है, 70 मिनिमम मतलब सबसे कम, उससे कम लाइएगा तो फेल, सब्जेक्ट में फेल, जो कि हमको बैक और कैरी के नाम से जानेंगे, है ना। तो होगा तो बैक और कैरी के बारे में भी आपको बताएंगे, है ना, लेकिन तत्काल ये देख लीजिए कि ये आपका 70, देखिए 70 नंबर का एग्जाम में, 70 नंबर का बाहर जाके एग्जाम देंगे एक्सटर्नल में, अगर 28 से कम आ गया तो लग गया कैरी उसमें। अब ये कैरी बैक वाला मामला समझाएंगे, जैसे हम लोग यहाँ कुछ अलग फॉर्मूला, डायरेक्ट फेल वाला मामला छोड़ के कुछ एक और कॉन्सेप्ट सब सुनने में आता है, बैक और कैरी लगता है, तो हम आपको समझाएंगे वो बैक और कैरी क्या होता है। लेकिन पहले अभी इसमें मामला समझिए कि 70 में आपको कम से कम 28 लाना है, ठीक। अच्छा सभी सब्जेक्ट में 70 में 28 आपको कम से कम लाना है। अच्छा दोस्त अगर 70 में आपको 28 लाना है तो अब आपका कहना होगा सर पूरा 100 में बताइए ना, 70 में क्या बता रहे हैं, 70 में 28 समझ गए कि बाहर 28 ले आएंगे, 100 में बताइए। तो 100 में आपको 40 लाना है पास मार्क इन द सब्जेक्ट, है ना। देखिए पास मार्क इन ईएससी एक्सटर्नल एग्जाम में आपको पास मार्क लाना है 28
कितने में से 70 में से, और पास मार्क्स जो लाना है इन सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट मतलब टोटल में, यानी टोटल कितने का है 100 नंबर का, मैथ कितने का है 100 नंबर का, तो आपको टोटल 40 आना चाहिए, टोटल 40 आना चाहिए, तो टोटल 40 आना चाहिए। तो देखिए इधर कितना बच गया 28, 12, मतलब इधर 30 नंबर में, इधर जो 30 नंबर है उस 30 नंबर में, सॉरी ये दोस्त ये वाला, ये जो 30 नंबर है आप देख रहे होगे, इस 30 नंबर में इधर तो 70 में 28 ले आएंगे, तो 40 में से कितना बचा 12, तो ये जो 70 में जो 30 नंबर है इसमें से 12 नंबर आपको आना चाहिए एग्जाम जब कॉलेज में आप दीजिएगा, तो कम से कम इस 30 नंबर में से 12 नंबर आना चाहिए, जो कि आराम से आ जाता है, उसके लिए आप चिंता ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगी, ये कॉलेज वाले टीचर लोग चेक करेंगे, अच्छे से चेक करेंगे, आप पढ़ोगे और आपको आराम से नंबर आएंगे, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होंगी इसमें 30 नंबर वाले में, ये आप लिख के आओगे कॉलेज वाले में आराम से आ जाते हैं 12, उसमें आपको ज़्यादा फेल होने की चांसेस कम रहती है, है ना, तो यहाँ पर आप आराम से कर लोगे, तो ये 12 नंबर, तो ये कितना हो गया 28, और इधर से 30 में से 12, यानी 40 नंबर आपको सब्जेक्ट में चाहिए आपको यहाँ पे, है ना, टोटल आपको 40 नंबर आने चाहिए। तो क्या सर एक बात बताइए कि सर 40 नंबर में से मान लीजिए इधर हम कुछ ज़्यादा ले आते हैं, इधर 12 से कम लाएंगे तो क्या उसमें ये लग जाएगा? हाँ, उसमें भी कैडी लग जाएंगे, आपको 12 से कम नहीं आना चाहिए इस वाले में, इसमें आपको 28 से कम नहीं आना चाहिए, 28 से कम आया तो फिर कल्याण है ना। तो अभी आप समझ गए होइएगा यहाँ तक इस चीज़ को पूरी तरीके से कि ये सब क्या चीज़ें हैं और इसमें हमको कितना पास मार्क्स के लिए 70 में लाना है, बाहर एग्जाम देने जाएंगे तो हमारे कॉलेज में कैसे एग्जाम होंगे, उसमें से हमको कितना मिनिमम आना चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें आप समझ गए हुए। लास्ट में देखिए एक शब्द आया है क्रेडिट, है ना, है ना, ये क्रेडिट, अब देखिए ये क्रेडिट वर्ड जो क्रेडिट आपको 3 3 3 3 2 2 लिखा हुआ रहता है, जनरली ज़्यादातर बच्चे के पूछेगा तो उसको क्रेडिट का मतलब नहीं पता हुआ रहता है, पता ही नहीं था क्रेडिट का क्या मतलब है और क्रेडिट क्यों दिया हुआ है ना, तो इस क्योंकि इसकी लफड़ा जो है एक बहुत ही आगे का है, तो हम एक काम करते हैं इसमें आपको हम सिर्फ क्रेडिट का मतलब समझा देंगे, बाकी जो रह गया ना इसके बारे में हम लोग एक डिटेल वीडियो क्रेडिट से रिलेटेड आपका मार्क्स कैसे कैसे दिया जाता है उससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो अलग से बनाएंगे, ताकि सब बच्चों को समझ आए, क्योंकि ये आपकी जो अलग सेकेंड थर्ड फोर्थ सबकी प्रॉब्लम होती है कि वो इसमें जो मार्क्स CGPA SGPA YGPA सब में देता है ये सब कैसे कैलकुलेट किया है वो सही आइडिया नहीं रहता है, तो हम लोग इसके एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें अच्छे से सबको समझा देंगे। दोस्त बात करते हैं इस क्रेडिट की, तो अभी क्रेडिट इसको नहीं, क्रेडिट को हम लास्ट में समझाएंगे आपको ताकि बढ़िया से आपको समझ में आएगा क्रेडिट, तो क्रेडिट अभी ध्यान में रखिए कि सर आप हमको ये भी बला बाद में बताइएगा, ठीक, तो ये चीज़ें हम आपको समझाएंगे अभी जस्ट लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। अब बात करते हैं दोस्त एक बात और भी, इवन और ऑड का वो कॉन्सेप्ट आपके बराबर दिमाग में सुनने को मिलेगा कि तुम इवन सेमेस्टर में है कि ऑड सेमेस्टर में। दोस्त इवन ऑड का कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है, देखिए ध्यान से समझ लीजिए यहीं पर, देखिए इवन ऑड में कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है, देखिए इवन और ऑड, ठीक है, हम सबको पता है, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, इवन ऑड, इवन कहते हैं हम लोग किसको, 2 4 6 8 इस तरह के नंबर जो होते हैं उसको इवन कहते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर तो उसके ऑड कहते हैं। तो दोस्त आप देखो आपको कितने सेमेस्टर देने हैं, 6 सेमेस्टर देने हैं, 1 2 3 साल में आपको 6 सेमेस्टर, 2 3 4 5 और ये 6, आपको 6 सेमेस्टर देने हैं, ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान से देखिए 6 सेमेस्टर है आपके पास, 6 सेमेस्टर, ठीक है दोस्त, अब ये 6 सेमेस्टर होंगे जिसमें से आपके पास होंगे 1 3 और 5 जो कि एक ऑड होगा, और एक होगा क्या 2 4 और 6, ये होगा इवन, तो यानी जो भी इवन टर्म में आएगा, जैसे सेकेंड सेमेस्टर हुआ तो कहेंगे इवन सेमेस्टर हुआ, फोर्थ सेमेस्टर हुआ तो इवन सेमेस्टर हुआ, सिक्स सेमेस्टर हुआ तो इवन सेमेस्टर हुआ, और एक फर्स्ट सेमेस्टर तो ऑड है तो ऑड सेमेस्टर, थर्ड ऑड है तो ऑड सेमेस्टर, 6 ऑड है तो ऑड सेमेस्टर। तो अभी आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इवन और ऑड का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, तो पहला अभी आपका कौन सा सेमेस्टर है, ऑड सेमेस्टर है ना, तो आपका ऑड कहलाएगा अभी, तो फर्स्ट सेमेस्टर चूंकि ऑड नंबर तो ऑड सेमेस्टर, थर्ड ऑड सेमेस्टर तो ऑड नंबर तो ऑड सेमेस्टर, तो दोस्त इवन ऑड वाला मामला भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्त। तो अब बढ़ते हैं दोस्त इन सारी चीज़ों को समझने के बाद नेक्स्ट की तरफ, जो हमारा होगा प्रैक्टिकल वाला, ठीक है दोस्त। तो अब बात करते हैं दोस्त प्रैक्टिकल के लेके, ठीक है,
देखिए प्रैक्टिकल के बारे में आपको बता दिया जाए कि प्रैक्टिकल आपकी जो लैब होती है, जो लैब के रिगार्डिंग कुछ काम आपको दिया जाता है, जो लैब करवाया जाता है, लैब के रिगार्डिंग आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है, वो आप पेपर तैयार करते हैं, जो आप करते हैं उसके रिगार्डिंग पेपर तैयार करते हैं, वो प्रैक्टिकल की कॉपी कहलाती है। और होता क्या कि अभी तक हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे ज़्यादा, तो जो बिहार बोर्ड से रहेंगे तो क्या करता था कि भाई चलो ठीक है 100 रुपया ले लीजिए सर, काम हो जाएगा, है ना। क्योंकि कारण ये ना कि मतलब लैब की कितनी अच्छी व्यवस्था हमारे स्कूल में नहीं है, ये बात सच्चाई है, ये सारे जानते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि हम आपको बता रहे हैं तो ये हिनाई मिनाई वाला सच्चाई ये है कि अभी तक हमारी स्कूली जो एजुकेशन सिस्टम है वो एक बढ़िया तरह से बिल्ड नहीं किया गया, जिसके कारण लैब की कमी है, और जिसके कारण हमको पढ़ने के लिए सिलेबस के अनुसार से तो दे दिया जाता है, लेकिन हमारी पढ़ाई लिखाई उतनी ढंग से वहाँ पर कराई नहीं जाती है। थ्योरी वाला पार्ट हमारा अच्छे से क्लियर हो जाता है, लेकिन वो काम हमारा होता नहीं अच्छे से, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं तो लैब वाला कॉपी जैसे वो देता है हमारे कॉपी में लिख के बना कर दे देते हैं, तो मामला कुछ ऐसा ही रहता है। तो देखिए ध्यान से सुनिए, मैट्रिक तक अभी जैसा ही देखते आए हैं, और आगे इस समय क्या होगा कि आपको जहाँ जहाँ के भी कॉलेज की जो एजुकेशन सिस्टम होगी वो थोड़ा सा बिल्ड अच्छे से होगी, जहाँ लैब की व्यवस्था अच्छे से होगी वहाँ आपको कराया जाएगा और आपको काम भी दिया जाएगा, और आपको करके आना है और लैब के कॉपी बनाना पड़ेगा। लेकिन जहाँ अगर थोड़ी सी व्यवस्था ये नॉर्मल रहेगी वहाँ पर आपको उसी तरीके से काम करना जैसे पहले करते थे, सच्चाई यही है। अब दोस्त देखिए ध्यान से, अब बात करें इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आपको मतलब यहाँ ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत है, बट लेकिन आराम से आपको ये सब जिसके रिगार्डिंग आपको बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा कि कैसे काम करना है, थोड़ा आसान रहेगा यहाँ काम करना, उतना ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। थ्योरी पेपर में आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, अच्छा, क्योंकि अभी हम बात कर लें तो इसमें आपको बात यह आ गई कि सर अच्छा बात तो सही है, लेकिन लैब जो होगा, लैब मतलब लैब का जो क्या सब सब्जेक्ट का लैब होता है? नहीं, लैब उन्हीं सब्जेक्ट का होगा जिसमें लैब करने की मतलब जो एक्सपेरिमेंट होते होंगे, जहां से आप लैब आराम से कर सकते हैं। तो कौन कौन सा आपका क्वेश्चन होगा सर, कौन कौन सब्जेक्ट का लैब की बात होगी? तो देखिए दोस्त, जो लैब की बात होगी वो आपको अप्लाइड फिजिक्स में लैब होगा, अप्लाइड केमिस्ट्री में लैब होगा, कम्युनिकेशन स्किल में लैब होगा। तो दोस्त इसका आपको एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा और आपको इसकी कॉपी तैयार करनी पड़ती है, है ना। तो आपको बता दिया जाएगा कॉलेज में कि कब कॉपी जमा करनी है, कब कॉपी बनेगा, वो सब आपको सब सिखा दिया जाएगा, सब समझा दिया जाएगा। तो उसकी चिंता आप ना करें, जो आप लोग सीनियर लोग होते हैं वो बहुत मदद करेंगे आप लोगों को, है ना, कि ताकि हाँ ये थोड़ी बहुत एक शब्द आएगा रैगिंग जैसा शब्द भी आएगा, है ना। लेकिन देखिए दोस्त, हम आपको इसके बारे में बताएंगे, हम इसमें कोई बहस अभी नहीं करना चाहते, लेकिन हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि क्या ये इसका फ़ायदा रहता है दोस्त। एक तरह से फायदेमंद ही होता है, लेकिन उसके अब लेटर ऑन बताएंगे कि वो क्या चीज़ें होती है, ठीक है। तो उसकी चिंता अभी ना करें, वो सब चीज़ें हम अभी डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, बात हम लोग अभी टॉपिक पे ही रहेंगे। तो अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री और कम्युनिकेशन इन स्किल इन इंग्लिश की बात करें दोस्त, तो ये सारी चीज़ें जो है इन तीन पेपर का, आपको पांच पेपर था जिसमें से कम्युनिकेशन था, अप्लाइड था, फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री, ये तीन का आपके पास क्या रहेगा, लैब रहेगा। इसके अलावा दोस्त इसमें भी वही है, सब सब्जेक्ट का क्या होगा, कोड होगा, है ना, इसका पीरियड ऑफ वर्क अपना है करवाने का, जो काम करवाएगा, जिसमें भी आपका ध्यान से सुनिएगा कि आपकी एक एक्सटर्नल को भी चेक करने के लिए मिलेगी और एक इंटरनल वाला एग्जाम रहेगी, यानी कुल मिला के ये 50-50 नंबर का तीनों रहेगा। कितने नंबर का होगा कि सर ये आप 150 नंबर तो बता दिए कि प्रैक्टिकल पूरा 150 नंबर का होगा, थ्योरी 500, प्रैक्टिकल 150, तो सर बताइए कि कितना कितना नाम एग्जाम में कैसे बढ़ा रहेगा। तो ये 15 नंबर आपका कॉलेज वाला और एक्सटर्नल के लिए आपको 35 नंबर रहेगा, जो कि आपको मिल जाएंगे आराम से। इसमें अगर आप अच्छे से लिख देते हो, कॉपी वोपी अच्छे से बना कर दे देते हो तो अच्छे नंबर आ जाते हैं, तो उसकी चिंता आपको करने की ज़्यादा जरूरत नहीं रहती। वो कॉलेज वाला कॉलेज से आपको अच्छे नंबर मिल जाते हैं अगर आप अच्छे से काम करके दे देते हो उसको, तो ठीक है दोस्त। अब बात है पास मार्क सब्जेक्ट, इसमें अब इतना में ये 50 मार्क्स का है, उसमें से पास मार्क कितना कितना होगा, तो आपको 50 में से 20 नंबर लाने रहते हैं, जो कि आराम से इजीली मिल जाते हैं, जब अगर आप लिख उख देते हो अच्छे से तो मिल जाते हैं, उसकी दिक्कत आपको वहां नहीं रहेंगी। अच्छा दोस्त, अब बात करते हैं क्रेडिट की, ठीक है, क्रेडिट की। तो क्रेडिट वाला मामला वही है जो आपको हम समझाएंगे सबसे लास्ट में, ठीक है। और अब बात करते हैं दोस्त, तो प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया होगा, अब दोस्त बात करते हैं हम लोग टर्म वर्क्स के बारे में, ठीक है। देखिए दोस्त, ये तो था आपने प्रैक्टिकल में क्या देखा, प्रैक्टिकल में देखा कौन कौन सी का लैब होगा, ठीक है दोस्त। अब बात करते हैं टर्म वर्क्स में। देखिए दोस्त,
टर्म वर्क्स की अगर हम लोग बात करेंगे ना, तो ये टर्म वर्क्स होता क्या है, तो इसमें आपको प्रैक्टिकल जो तीन सब्जेक्ट में किया उसके अलावा भी आपके अंदर कुछ एक्टिविटी चाहिए होता है। एज ए इंजीनियर आपके अंदर केवल प्रैक्टिकल करने का, प्रैक्टिकल तक जो पेपर में होता है उसके ही करने की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा भी एक्टिविटी आपको कुछ सिखाया जाना चाहिए जो बेसिक स्किल्स है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, टर्म वर्क्स, जहाँ हम इसके अलावा भी कुछ स्किल्स सीखते हैं। वो होता क्या है, मतलब आपको छोटे छोटे टर्म में आपको काम दिया जाता है। टर्म वर्क्स मतलब क्या, छोटे छोटे टर्म में आपको क्या कहते हैं, कुछ काम बांट दिया जाता है, उस काम को आपको करना रहता है, तो वो कहलाता है टर्म वर्क्स, और उसके रिगार्डिंग भी आपको कॉपी तैयार करनी रहती है। तो देखिए ध्यान से सुनिए दोस्त, इसमें मामला को समझिए, इसका मामला समझिए कि ये क्या है टर्म वर्क्स। ध्यान से देखिए दोस्त, जो आपको टर्म वर्क्स पढ़ना है उसमें आपको तीन चीजों का टर्म वर्क्स पढ़ना है। एक है इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस, है ना, आप समझाते हैं सबको, एक वो स्पोर्ट्स एंड योगा, है ना, और एक है सी या KYP करना रहेगा, या IT या फिर पाइथन एक लैंग्वेज है, आपको बताया था जो सॉफ्टवेयर बनता है उस सबके रिगार्डिंग एक पाइथन एक लैंग्वेज है, सी आपको एक लैंग्वेज है, या KYP करवाया जाएगा। अभी ये सब क्या होता है उसके बारे में आएंगे तो थोड़ा चर्चा करेंगे, है ना। लेकिन अब बात करते हैं सबसे पहले दोस्त की इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस। देखिए इंजीनियरिंग वर्कशॉप प्रैक्टिस में क्या होगा कि आपके कॉलेज होगी वहाँ पे बना रहता है एक वर्कशॉप जहाँ आप जाके पढ़ाई के थ्योरी के अलावा कुछ काम करेंगे। एक तो हुआ लैब हो गया, फिजिक्स का केमिस्ट्री का ये सब का लैब हो गया। दूसरा क्या, एक बना रहेगा वर्कशॉप एक अलग से होगा जहां पे आप जाके कुछ काम करना सीखोगे। काम करने का मतलब क्या, जैसे बिल्डिंग कैसे करते हैं, बिल्डिंग करते हुए देखा ना गांव में, है ना, कैसे बिल्डिंग करते रहता है, तो बिल्डिंग कर अब खाली देखने से थोड़ी ना हो जाता है, आप जब करके सीखोगे तभी ना होगा। जैसे कि कोई भी एक्सा ब्लेड ले लेता, जैसे कोई भी आयरन है, लोहा है, तो लोहा को काटा कैसे जाएगा, तो ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग जाने की बहुत ही आसान होता काटना, लेकिन काट दे ऐसा नहीं, कि किस तरीके से काटा जाए, क्या फ्लूड देना रहता है उस पर, वो सारी चीज़ सिखाया जाएगा। इसके अलावा आपको सिखाया जाएगा कि कैसे आप जो ये आप देखते हो कारपेंटर से को देखो, बढ़ाई उड़ाई से को देखे हो, है ना, गांव सब में तो वो कुछ कुछ जॉब बनाते रहता है, जैसे दलघोटनी हो गया, दलघोटनी जानते हो, दाल को मिसिंग करना जब रहता है दोस्तों, दलघोटनी का यूज करते हैं हम लोग, तो जो गांव में बनता था पहले, तो क्या करते थे उसको दलघोटनी बनाना, कैसे बनाया जाता है, तो उस सब से रिगार्डिंग कुछ बेसिक जो आपको इंजीनियरिंग, जैसे हमारे कॉमन लाइफ में जो यूज होने वाले कुछ इंजीनियरिंग से रिलेटेड टर्म्स होते हैं उसके रिगार्डिंग जो बातें होती है आपको सिखाया जाता है, है ना। इसमें कुछ जो इंजीनियरिंग की जो मशीन्स होती है उससे आपको इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, उसको दिखाया जाता है, देखो ये मशीन है, ये इस तरह से काम करता है, ये काम करता है, ये काम करता है, तो उसमें आपको सिखाया जाएगा। और इसमें आपको कई कॉपी बनाने पड़ेंगे, 5-6 कॉपी आपको बनाने पड़ेंगे, जो कि आपको आने वाले हमारे वीडियोज में वो भी डिस्कस कर दिया जाएगा कि कौन कौन सा कॉपी बनाना रहता है, आपको कौन कौन सा कॉपी बनाना पड़ेगा, और उसकी मटेरियल भी अगर जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा, है ना। तो वो सब बात की बातें हैं, पहले तत्काल आप समझ गए। दूसरा स्पोर्ट्स एंड योगा, ये नया ऐड किया गया, पहले ऐसा था नहीं, क्यों ऐड किया गया है सो समझिए। आज के दिन में योगा दिवस जानते हैं कितना धूमधाम से मना रहे हैं हम, तो कुल मिला के आप आज के दौर में इंजीनियर की फिटनेस भी बहुत मैटर नहीं करेगी, क्या इंजीनियर अच्छा से फिट नहीं रहेगा, है ना, बराबर उसको लूज मोशन लगते रहेगा, टॉयलेट रूम जाओ टॉयलेट रूम से आओ, तब सब अच्छी बात नहीं ना, मतलब शरीर उरीर भी सही से नहीं है तो दोस्त दिक्कत रहेगी। तो कुल मिला के आपकी फिटनेस पर भी ध्यान रखा जाए, तो उसके लिए क्या किया है कि नया ऐड कर दिया है, स्पोर्ट्स एंड योगा ऐड कर दिया गया, कि आप क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, ये सब कुछ गेम है, गेम भी खेलो, गेम में अवार्ड क्या होता है, कितने प्रकार के अवार्ड सब होते हैं, उस सब की जानकारी थोड़ी बहुत हो जानी चाहिए, तो इसके लिए स्पोर्ट्स एंड योगा आपको ऐड कर दिया है। नेक्स्ट जो है दोस्त CKYP और IT, ये जो क्या है, ये आपको अभी प्रेजेंट का सीनरी होगा। देखो स्पोर्ट्स और योगा देखा कि भाई हेल्थ भी जरूरी है, है ना, हेल्थ भी जरूरी है कि नहीं, तो इंजीनियर है अगर उसका हेल्थ भी सही नहीं तो बहुत दिक्कतें वाला बात है, तो हेल्थ भी जरूरी है तो ऐड कर दिया स्पोर्ट्स एंड योगा। सोचा कि भाई गांव सब में छोटा छोटा इंजीनियरिंग वाला जो काम होते रहता है वो सब के बारे में उसको आइडिया ना होगा तो बहुत दिक्कत है, तो उसके लिए वर्कशॉप ऐड कर दिया एक्स्ट्रा में, है ना, और स्पोर्ट्स एंड योगा ऐड कर दिया हेल्थ के लिए। अच्छा ये जो ऐड किया है CKYP और IT और पाइथन वाला जो ऐड किया है दोस्त, ये पूरा जो है अभी मॉडर्न में जो भी आप कंप्यूटराइज सेक्शन देख रहे हो, जो कंप्यूटर वाला फील्ड जो आगे बढ़ते जा रहा है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारा आगे बढ़ते जा रहा है, हम लोग मोबाइल पर ही हम इंगेज रह रहे हैं, उस चीज़ को देखते हुए आपको आने वाले टाइम में दुनिया कैसे बदल रही है उस चीज़ को देखते हुए ये भी ऐड कर दिया है आपको, जिसमें आपको सी लैंग्वेज एक होता है जो कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है, KYP जो है आपके बेसिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अभी KYP चल रही है, जिसमें आपको क्या करना था, बेसिक
आपको आई थिंक कि जैसे बेसिक कंप्यूटर नॉलेज DCA जैसा एक कोर्स होता है जिसमें आप कंप्यूटर चलाना है ना, सीट बनाना, ये सब जैसे वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट कुछ कुछ टर्म्स होते हैं जो माने इतनी सीधा 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 अगर हम एक लैंग्वेज में बोले तो आपको कंप्यूटर की फंडामेंटल नॉलेज बेसिक जानकारी कम से कम रहनी चाहिए हर एक इंजीनियर को। तो अगर मान लीजिए आप डिप्लोमा कर लीजिए, आपको कंप्यूटर में कुछ करने ही नहीं आता है, मोबाइल से कुछ करने ही नहीं आता, कुछ फॉर्म भरने नहीं आता है, तो ये सब दिक्कत वाली बात रहेगी ना, हो इज्जत तो पड़ जाएगा ना। कोई कह दिया कि फॉर्म भाई इंजीनियर तुम तो इंजीनियरिंग कर रहा है, तो पॉलिटेक्निक कर रहा है, डिप्लोमा कर रहा है, तुम तो सुने इंजीनियरिंग कर रहा है, तो हमारा काम कर देना है ना, तो फिर वहाँ क्या होगा, हो गांव में इसमें मिल जाएगा तो फिर आपकी वाट लग जाएगी। तो जरूरी है उसके लिए कि आपको कुछ बेसिक कंप्यूटर के फंडामेंटल नॉलेज जो आम जिंदगी में यूज हो रहा है कम से कम एटलीस्ट उतना तो होना चाहिए। और उसी में अगर आप पाइथन पढ़ते हो, पाइथन से भी जानकारी लेते हो, तो आप आगे सॉफ्टवेयर के लिए भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपका ये है क्या टर्म वर्क, जिसमें आपको इस तरह की बातें सिखाई जाएंगी। और जिसमें अगर हम बात करें नॉर्मली तो आपको मेहनत इस वर्कशॉप में बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि आपको काटना रहेगा है ना, काम कुम सब काम कर, फिजिकल वर्क इसमें कुछ मिलेगा आपको ज़्यादा खास, ठीक दोस्त। अब बात करते हैं तो दोस्त इसका सब्जेक्ट कोड उसी तरीके से यहाँ भी इसका सब्जेक्ट कोड है जो कि आपका टर्म वर्क का सब्जेक्ट कोड है, और इसका भी कॉपी आपको बनाना रहेगा जिसमें आपको गाइड कर दिया जाएगा कॉलेज वाले की तरफ से कि कौन कौन सी का कॉपी बनाना है, कैसे कैसे बनाना है। अच्छा दोस्त ये है पीरियड्स ऑफ वर्क, इससे में कोई मतलब नहीं है। अच्छा मार्क्स ऑफ इंटरनल एग्जाम, समझिए 7-7 नंबर का इसका एग्जाम होगा। आपको देखिए ध्यान से, अगर हम इसको हटा दें, इरेज कर दें दोस्त, तो ये आपका 7-7-7 यानी 15 यानी टोटल देखिए ये दोनों एग्जाम जो होगा आपका इंजीनियरिंग वर्क और स्पोर्ट वाला जो होगा वो 25-25 नंबर का है ना, 25-25 नंबर का वो एग्जामिशन होगा है ना। आप योगा करो, जिम करो है ना, सब 25-25 नंबर का है ना, क्रिकेट खेलो उसमें कुछ आप स्पोर्ट्स से सबका कॉपी बना कर देना रहेगा। तो दोस्त ये 25-25 नंबर का है जिसमें 7 नंबर आपका इंटरनल रहेगा और जो एक्सटर्नल रहेगा वो 18-18 नंबर का रहेगा, तो कुल 25 मार्क्स का है। और जो बात रह गई इसका, तो ये 50 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें आपको 15 मार्क्स इंटरनल दिया जाएगा और 35 मार्क्स जो रहेगा वो एक्सटर्नल दिया जाएगा। तो कुल मिला के आपको इसका पासिंग मार्क्स 25 में से 10 रहेगा, इसका भी 10 रहेगा और इसका 20 रहेगा। और ये बचपन में हम लोग को होता था नहीं, हो जब एग्जाम होते थे तो झाड़ू जमा करना है, रस्सी जमा करना है तो नंबर देंगे है ना, गेम में खेलवाता था, कूदता था तो ओकर नंबर देता था, खेलकूद वाला नंबर, तो वैसा नहीं वाला देखिए फिर से जोड़ दिया है, देखिए बचपन याद दिला दिया ये है कि नहीं। तो कुल मिला के स्पोर्ट्स तो उस तरह से ही कुछ यहाँ पे सेक्शन बना हुआ है। तो कुल मिला के दोस्त ये बात भी समझ में आ गया कि इसमें 10 10 इसमें 20 है ना, तो ये भी आपका ये कुल मिला के 25 25 50 50 50 100 नंबर का दोस्त ये हो गया। तो कुल मिला के आपको ये समझ में पूरी बात आ गई कि टर्म वर्क्स क्या होता है। दोस्त अब एक शब्द बच गया कि इसमें भी दिया है क्रेडिट है ना, अब मामला आ गया कि क्रेडिट क्या होता है। तो दोस्त अपेक्षा करते हैं कि आपको अभी तक थ्योरी प्रैक्टिकल और ये सारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझ में आ गया हुआ होगा। बात बढ़ते हैं हम लोग अब इस क्रेडिट को समझते हैं। देखिए क्रेडिट आपको इतना आराम से समझने में नहीं आने वाला था, लेकिन क्रेडिट हम लोग क्रेडिट को थोड़ा मजे में समझने के लिए भी हमने एक डिजाइन किया है, देखो है ना, तो आप देखो ध्यान से देखो इस चीज़ को। तो ये आप देख रहे हो कि एक इमेज है, अब समझाते हैं हम आपको क्रेडिट, क्रेडिट समझने के लिए समझिए क्या है, समझिए अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्रेडिट पे। अब ये अगर हम आपसे पूछें कि बाबू बताइए कि ये आपको कितनी हीरोइनें दिख रही है, तो आपको 4 हीरोइन देखे, पांचवा नहीं, ये देखे ये अंदर में इधर से ताक रहा था, ये नहीं है, ये नहीं हीरोइन नहीं है, ये है ना, ये हीरोइन नहीं है दोस्त। ये जो 4 हीरोइन देख रही है, देखो चारों हीरोइन की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है कि नहीं, अपना अपना लेवल है चारों हीरोइन है ना, लेकिन सबका क्या करोगे दोस्त, सबका वैल्यूएशन, वैल्यू यानी फेस वैल्यू, जिसको पब्लिक जानता है अच्छे से, फेस वैल्यू जिसका इंपॉर्टेंस सबका अलग अलग है ना। अब ध्यान से देखो दोस्त, ये है काजल अग्रवाल, पहचानते होगे आप लोग, नहीं पहचानते तो कोई बात नहीं है। ये है कैटरीना कैफ, ये है डेड्रियो है ना, और ये है नांसी मोमलैंड है ना। अब दोस्त ध्यान से सुनो, ये है आपका, कहो सर ये सब क्या पढ़ा रहे भाई, बहुत पीछे पूरा सब समझ लिए हैं, थोड़ा सा क्रेडिट को समझने की कोशिश करो। तो ये है काजल अग्रवाल, ये टॉलीवुड का हीरोइन है, तेलुगु फिल्म बनाती है, ये हॉलीवुड की हीरोइन है, जो सॉरी बॉलीवुड की हीरोइन है कैटरीना कैफ, जो बॉलीवुड बनाती है। ये डेड्रियो है जो कि आपका हॉलीवुड हीरोइन है, और ये है टिकटॉक स्टार नांसी मोमलैंड। तो दोस्त ध्यान से समझिए,
सबसे ज्यादा क्रेडिट किसका बना हुआ भाई, इंपोर्टेंस किसका सबसे ज्यादा दिया जाता है भाई? हॉलीवुड वाले को। ये है हॉलीवुड, ये बॉलीवुड, और ये है टॉलीवुड, और ये है टिकटॉक। टिकटॉक, ठीक है दोस्त, क्लियर है। अब देखिए सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस किसका होगा, हॉलीवुड, मतलब इसकी क्रेडिट ज्यादा, मतलब है सब हीरोइन मतलब, लेकिन वैल्यू किसका हम देंगे ज्यादा, वैल्यू हॉलीवुड वाला का दिया जाता है ज्यादा। ऐसे जानते कि हॉलीवुड की हीरोइन है कि नहीं, तभी बॉलीवुड की हीरोइन हॉलीवुड में जाने के लिए एकदम बहुत ज़्यादा कोशिश करती रहती है, मिन्नतें करती रहती है हॉलीवुड से, बॉलीवुड से हॉलीवुड में। और टॉलीवुड वाले जो होते हैं वो शिफ्टिंग चाहते रहते हैं कि हमको बॉलीवुड में मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा है, मतलब वैल्यू ज़्यादा, वैल्यू यहाँ पे इम्पोर्टेंस ज़्यादा दिया जाता है, यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे जो पब्लिक है उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे उसकी कम है, यहाँ पे उससे इस इधर जाना चाहता है, मतलब इसकी कम थोड़ी। और ये टिकटॉक वाले सोचते हैं कि कहीं मिल जाए, टॉलीवुड में मिल जाए, बॉलीवुड में मिल जाए, भोजपुरियों चले, है ना। तो दोस्त ऐसा है, तो मेरा मानना ये है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि क्रेडिट, हम समझाना आपको ये चाह रहे थे कि है सारा हीरोइन ही, लेकिन सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस, मतलब थोड़ी वैल्यू ज़्यादा है सबकी, कुछ ना कुछ वैल्यू क्या है ज़्यादा है, इम्पोर्टेंस क्या है ज़्यादा है, है सब हीरोइन। उसी तरीके से आप जो पढ़ रहे हैं, है तो सारा सब्जेक्ट है, लेकिन बताइए कि किसी सब्जेक्ट में अगर हमको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगने वाला है, किसी सब्जेक्ट का कंटेंट थोड़ा टफ है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा उसका वैल्यू ज़्यादा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, सो बताइए। अगर कोई सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट है तो पांचों सब्जेक्ट है, लेकिन किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा टाइम लगता है पढ़ने में, किसी में कम टाइम लगता है पढ़ने में, कोई आसान सब्जेक्ट है, कोई थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, तो क्या ये बात आप हम लोग के मन में भी है ना कि एग्जामिनर वाला को, ये एग्जामिनेशन जो ले रहे हैं एग्जामिनेशन कंट्रोलर, उनको ये आइडिया होनी चाहिए, उनको ये चीज़ हम लोग को जोड़ना चाहिए क्या कि भाई देखिए जो सब्जेक्ट हार्ड है, टफ है, जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, उस सब्जेक्ट में थोड़ा सा उसके मार्क्स जो आते हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। उसी बात को लेकर हम लोग चलते हैं, बनाए एक नया टर्म जिसका नाम दिया गया क्रेडिट, है ना। तो आइए आपको दिखाते हैं कि क्रेडिट का क्या मतलब होता है। तो दोस्त देखिए यहाँ पे जो क्रेडिट दिया गया है, मतलब अब एक बात तो हमको क्लियर हो गया कि जिसका क्रेडिट ज्यादा, मतलब उसके मार्क्स का इम्पोर्टेंस ज्यादा, फिर से समझिए, जिसका क्रेडिट ज्यादा उसके मार्क्स का इम्पोर्टेंस ज्यादा, मतलब ध्यान से देखिएगा, इसकी क्रेडिट 2 है, इसकी क्रेडिट 3 है, मतलब इसमें आने वाले मार्क्स का इम्पोर्टेंस अगर देखिए ध्यान से, है ना। मेरा कहने का यह मतलब है दोस्त कि मान लीजिए कि कोई बंदा या कोई स्टूडेंट दोस्त ये करता है कि इस सब्जेक्ट में मैथ में लाता है 65 नंबर या 65 नंबर लेते हैं चलो, और ये कोई लड़का क्रेडिट 2 वाले में लाता है 65 नंबर, ये दोनों नंबर की इवेलुएशन तो सेम है, 65-65 है, बट दोनों की जो वैल्यू है, यानी कह सकते हैं यानी क्रेडिट से इसकी वैल्यू इस नंबर से जो 65 वाला है, क्रेडिट 3 वाला नंबर का वैल्यू ज़्यादा है 65 वाले से, जैसे दोनों हीरोइने हैं, लेकिन आप उसकी फेस वैल्यू, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ज़्यादा है रेदर देन द अदर हीरोइन, है ना। तो वही बात हम बता रहे हैं कि बाबू वही चीज़ें इस क्रेडिट में होती है, हालांकि क्रेडिट वाला मामला और भी ताकतवर है, उसको और भी अच्छे से समझाएंगे। इसके लिए हम आपको कुछ बातें, जैसे आपको अब यहाँ तक तो समझ में आ गया कि क्या पढ़ना है, कितना नंबर, अब जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको रिजल्ट CGPA में देगा, है ना, SGPA में देगा किसी का रिजल्ट, किसी के ग्रेड होता है ना, ए ग्रेड आया, बी ग्रेड, जैसे कहता है ना कि अथी वाला लड़का सब जो CBSE का बच्चा सब कहेगा कि मेरा 10 CGPA आया है, मेरा ए ग्रेड आया है, मेरा बी ग्रेड आया है। तो हम लोग भी सोचते हैं भाई कि ए ग्रेड क्या होता है, इसका ए ग्रेड आया होगा मतलब कितना आया होगा, पता नहीं चलता कि कितना तेज है कि कितना बहुत है, है ना, क्योंकि ए ग्रेड का मतलब नहीं समझ में आया, बी ग्रेड का मतलब नहीं समझ में आया, 10 CGPA का मतलब ही नहीं समझ में आया। तो हम लोग समझते हैं कि 10 CGPA हल्ला करता है कि बहुत एक बड़का होता है, बड़का होता है, तो हम लोग कहते हैं बड़का होता है कि नहीं। तो हम लोग जैसे, ऐसा नहीं कि आम आदमी को नहीं समझ में आता है, जैसे गांव में कहिएगा कि हमको फर्स्ट, जैसे गांव के आदमी को कहिएगा कि अच्छा हमारा फर्स्ट डिवीजन आया है, तो जो कहीं कुछ नहीं पढ़ रहा है तो वो समझ जाता है फर्स्ट डिवीजन मतलब बड़का आया होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर लाया, पढ़ने में तेज है। तो लेकिन जो फर्स्ट डिवीजन का मतलब अगर आप एजुकेटेड पर्सन को बताइएगा तो वो क्या समझता है, अच्छा कितना मार्क्स आया होगा,
सारा चीज़ इवेलुएट करके आपको देख लेता है। लेकिन वही चीज़ हम लोग में होता है कि अब जैसे CBSE वाला के साथ हम लोग के साथ वही होता है, जो भी बच्चे बिहार बोर्ड के होते हैं या फिर जो बच्चे 10 CGPA के CBSE, ऐसा ना कि बिहार बोर्ड में CBSE बोर्ड में भी सही से सबको आइडिया नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर कह दिया 10 CGPA तो उसको 10 CGPA का मतलब समझ में आया, एक ग्रेड आया मतलब नहीं पता, बस समझ बहुत एक होता है मतलब अच्छा लड़का है बस यही। तो ये सब जो ग्रेडिंग सिस्टम है ये सब आपको अच्छे से डील नहीं होता होगा, जैसे क्रेडिट वाला मामला से ही सारा कैलकुलेट उस सब का भी होता है, कैलकुलेशन उस सब में क्रेडिट का मामला आएगा। तो हम आपको एक काम करेंगे ना कि अलग से एक लेक्चर में ये सब क्या चीज़ें होती है, कैसे ये सब का मामला होता है, कैसे क्या कितना मार्क्स का क्या होता है, होता तो सबका एग्जाम 100 पर है ना, लेकिन जो बताने का जो तरीका होता है सब अलग अलग तरीका होता है, और किसका क्या तरीका उस सब चीज़ हम लेके आएंगे एक वीडियो में अलग से आपको समझा देंगे एक वीडियो क्या कहते हैं एक वीडियो के माध्यम से। तो दोस्त अभी तक आपको आज की जो मेरा मोटो था हम लगता है हमें क्लियर हो गया है कि हमें थ्योरी प्रैक्टिकल से टर्म वर्क्स अब आने वाले एग्जामिनेशन के लेके आप तैयार हो कि कौन सब्जेक्ट पढ़ने के लेके आप तैयार हो गए होंगे। ठीक है तो दोस्त अभी के लिए बस इतना ही है ना, आज के लिए बस हम लोग इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू दोस्त।